स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। तेल का मतलब अभिषेक। जैसा कि भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 23 उसकी 5 आयत में लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में तेल शब्द को पढ़ते हैं तो तेल अभिषेक को दर्शाता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो और तेरे वस्त्र उजले रहे। पुराने समय में जब चरवाहे भेड़ बकरियों को चराने जाते थे तो वो भेड़ों के ऊपर तेल लगाते थे ताकि कोई मक्खी मच्छर खटमल उन्हें काट न सके, वो स्वस्थ रहें और बीमार न पड़े। आज जिन विश्वासियों के ऊपर तेल या अभिषेक नहीं है तो वो हमेशा बीमारियों, कलेशों और शैतान के अटैक के नीचे रहते हैं। अगर आपके जीवन के ऊपर अभिषेक है तो शैतान दूर से आप पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आप पर बैठकर पूर्ण रीति से काम नहीं कर सकता क्योंकि शैतान गर्म जगह पर नहीं बैठ सकता। अभिषेक को यूनानी भाषा में करिश्मा कहा गया है, जिसका अर्थ है एक ऐसी सामर्थ्य जो चमत्कार कर सके, और ये शब्द करियो से निकलता है जिसका अर्थ तेल को रगड़ना है। जैसे एक व्यक्ति आत्मिक संगति में आता है तो चाहे उसके ऊपर अभिषेक नहीं है, लेकिन उस अभिषिक्त माहौल में रहने के कारण वो अभिषेक उसकी जिंदगी में आता है और काम करता है। जब शाउल को शमूएल के द्वारा अभिषेक किया गया तो शमूएल ने शाउल से कहा, जब तू रास्ते में जाएगा तो तुझे एक नबियों का एक दल मिलेगा। और जब उसको वो नबियों का दल मिला और उसने उनमें संगति की तो शाउल भी नबूवत करने लगा। तब ये कहावत चली कि क्या शाउल भी नबियों का है, क्योंकि वो राजा होने के लिए चुना गया था। आपके जीवन में पहला अभिषेक तब आता है जब आप एक विश्वासी बन जाते हैं। तब आप व्यभिचार, चोरी, गलत कामों को छोड़ते हैं और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है और वो आपको सब बातें सिखाना शुरू करता है कि परमेश्वर में आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन आज कुछ लोग पापों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो चर्च से अभिषेक लेने के बाद भी अपने अभिषेक को खराब कर देते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से आशीषों को लेना चाहते हैं तो पवित्रता में चले, वचनों को अपना आधार बनाए, प्रार्थना के हथियार को इस्तेमाल करें और अभिषिक्त लोगों के साथ संगति करें ताकि जो अभिषेक उनके जीवन में है उसे आप लेने पाएं और परमेश्वर की योजनाएं जो आपके जीवन के लिए हैं वो पूरी हो सके और परमेश्वर का आत्मा आपके जीवनों में अपने बड़े बड़े कामों को कर सके। आमीन। आइए इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ, वो आपके अभिषेक में बढ़ते जाएं और आपके अभिषेक लोगों की संगति करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।